वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। हम आज रोमा फिल्म टॉक के बिल्कुल फ्रेश न्यू एपिसोड के साथ, जहां पर हम आपको देते हैं साउथ और हिंदी डब फिल्मों से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट। तो आए दोस्तों, बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फिल्मी टॉक का एपिसोड नंबर 146। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिछले हफ्ते रिलीज हुए कुछ टीजर्स और ट्रेलर से, जहां पर पिछले हफ्ते हमने देखने को मिला यहां पर नागा चैतन्य और राशि खन्ना स्टारर और विक्रम कुमार द्वारा डायरेक्टेड अपकमिंग तेलुगु फिल्म यानी कि थैंक यू फिल्म का ट्रेलर। ट्रेलर से फिल्म का जो कंसेप्ट, फिल्म की जो कहानी है, कुछ हद तक काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, जहां पर ट्रेलर देखकर पता चलता है कि फिल्म के अंदर नागा चैतन्य का जो कैरेक्टर है वो एक फेमस बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहा है, जो कि एक अपने आप में बहुत ही एरोगेंट और एक सेल्फ सेंट्रिक आदमी है, जो किसी के बारे में सोचता नहीं है, जिसके अंदर कोई सेंटिमेंट, कोई इमोशंस जैसी कोई भी चीज जो है हमें ट्रेलर की शुरुआत में देखने को नहीं मिलती है। पर बाद में ट्रेलर जो है आगे बढ़ता है और हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये आदमी जो है अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में, ये आदमी जो है काफी बिंदास लड़का था, इसकी एक लव लाइफ हुई करती थी, काफी सारी एक्ट्रेसेस हमें देखने को मिलती हैं, काफी सारी एक रोमांटिक ट्रैक हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं, तो काफी एक हंसता खेलता आदमी था। बाद में एक डायलॉग के अंदर हमें सुनने को मिलता है जहां पे नागा चैतन्य बोलते हैं कि मैंने जिंदगी में दूसरों के लिए काफी कुछ सेक्रीफाइस कर लिया है, बट अब मैं जो है किसी के बारे में नहीं सोचने वाला हूं। तो इसके साथ ऐसा जिंदगी में क्या घटा, कैसे घटा, जिसके कारण ये जो है अब एक बिल्कुल ऐसा आदमी बन चुका है कि जो किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। तो इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं फिल्म की जो कहानी है वो हमें देखने को मिलने वाली है। बाद में ट्रेलर के अंत में जो है हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये जो है काफी एक खुशहाल कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है, फिर से कैरेक्टर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ हमें नजर आ रहा है, जहां पर इसे एहसास होता होगा कि ये किस तरीके से पूरी तरह से अब बदल चुका है। अब जिन लोगों ने इसकी मदद की इस लेवल तक पहुंचने में और इससे बदलने में, क्या ये उन्हीं लोगों को ये थैंक यू कहना चाहता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, फिल्म की कहानी, फिल्म का कंसेप्ट कुछ भी हो, विक्रम कुमार की फिल्म है तो हमेशा से इमोशंस जो होते हैं वो सेंटर में रहने वाले हैं, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर हैं। मुझे उनकी लगभग हर एक फिल्म जो है काफी पसंद ही आई है आज तक, जिन्होंने जितनी फिल्में बनाई हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी जो है एक अच्छी फिल्म के तौर पे निकल के आए। बाकी मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रेलर के अंदर पूरी की पूरी कहानी को जो है काफी हद तक रिवील कर दिया गया है। ट्रेलर थोड़ा इस तरीके से रखा जा सकता था, बट क्योंकि ड्रामा फिल्म है तो काफी कुछ जो है फिल्म के अंदर ही चलेगा। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के अंदर जो सुनाई दे रहा है थमन के द्वारा दिया गया है, काफी बेहतरीन है। नागा चैतन्य के जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, उनके जो डिफरेंट लुक्स देखने को मिल रहे हैं, हालांकि इस टाइप के डिफरेंट लुक्स जो है हम उनकी काफी सारी फिल्मों में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उनका जो लुक वगैरह है वो भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो देखते हैं फिल्म कैसी निकलती है, फिल्म के अंदर ड्रामा, इमोशंस, रोमांटिक ट्रैक को किस तरीके से डायरेक्टर विक्रम जो है यहां पर बैलेंस करते हैं। वैसे आपको पर्सनली ये ट्रेलर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं कुछ फिल्मों की जिनकी रिलीज डेट को जो है यहां पर अनाउंस कर दिया गया है, जहां पर जो सबसे पहली फिल्म निकल के आ रही है वो है दुलकर सलमान, मृणाल ठाकुर और रश्मिका मंदाना स्टारर अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म यानी कि सीता रामम का। तो इस फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है, जहां पे फिल्म जो है 5 अगस्त को यहां पर वर्ल्ड वाइड सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में रिलीज होने वाली है। वैसे तो फिल्म के सभी भाषाओं के पोस्टर्स को जो है रिलीज किया गया है, बट किसी हिंदी पोस्टर को यहां पर रिलीज नहीं किया है। बट जो इंग्लिश पोस्टर आया है इस फिल्म का, उसके अंदर यहां पे नीचे जो है हमें देखने को मिलता है कि फिल्म जो है यहां पे तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ हिंदी में भी जो है रिलीज हो रही है। अब जब हिंदी को इस तरीके से यहां पे जगह दी गई है तो पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप अगस्त का जो महीना है वो काफी ऑलरेडी पैक्ड महीना है, तो वहां पर ये फिल्म आएगी नहीं आएगी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट इनिशियल प्लानिंग जो है यहाँ पर पोस्टर वगैरह से तो देखकर लग रहा है कि फिल्म को वो हिंदी में रिलीज करवाने वाले हैं। अब एक चीज ये भी है कि यहाँ पर फिल्म के अंदर जो तीनों ही एक्टर्स हैं वो भले ही हिंदी बेल्ट के अंदर कोई बहुत पॉपुलर ना हो, बट एक जाने माने चेहरे हैं। मृणाल ठाकुर बॉलीवुड की रेगुलर फिल्मों में अभी नजर आती है, दुलकर सलमान को लगभग आज की डेट में हर कोई जानता है, पहचानता है, उन्होंने बॉलीवुड में भी कुछ फिल्में की हुई हैं। रश्मिका मंदाना को तो वैसे भी हर कोई आज के डेट में जानता है और वो जल्दी बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी करने वाली है, तो जाने माने चेहरे हैं, तो हो सकता है कि फिल्म को जो है यहां पर हिंदी में भी रिलीज करवा दिया जाए। तो ये जो है पोस्टर के अंदर यहां पर हिंदी रिलीज जो है लिख दिया गया है। इसके अलावा एक्टर विशाल अपनी फिल्मों को पैन इंडिया स्केल पर रिलीज करवाने की जो कोशिश है अब आगे भी यहां पर कंटिन्यू रखने वाले हैं, जहां पर उनकी अपकमिंग फिल्म यानी कि लाठी, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन और डेडली पोस्टर अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था, उस फिल्म को जो है यहां पर वो फिर से हिंदी में रिलीज कर रहे हैं। फिल्म जो है
यहां पर 12 अगस्त को सभी साउथ इंडियन भाषाओं में और हिंदी भाषा में रिलीज होने जा रही है। अब यहां पर भी अगर देखा जाए तो 12 अगस्त की जो डेट है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि पैक्ड डेट है। ऑलरेडी काफी फिल्मों की रिलीज डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, चाहे बात करें कोबरा की, चाहे बात करें यहां पर समानता स्टारर फिल्म यशोदा की, चाहे बात करें लाल सिंह चड्ढा की, या फिर बात करें यहां पर अखिल अकिनेनी की फिल्म यानी कि एजेंट की, तो काफी सारी फिल्में जो हैं यहां पर 11-12 अगस्त के बीच में जो है रिलीज हो रही है। तो इस बीच में क्या फिर से विशाल की फिल्म रिलीज हो पाएगी या फिर उनकी पिछली फिल्म यानी कि एनिमी की तरह केवल अनाउंसमेंट तक ही सीमित रह जाएगी, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। अब जब बात 12 अगस्त की हो ही गई है, एजेंट की हो रही है, तो पिछले फिल्मी टॉक में या फिर शायद उससे पहले वाले फिल्मी टॉक के एपिसोड में आपको कहा था कि शायद मेकर्स जो है एजेंट फिल्म को पोस्टपोन कर सकते हैं, तो ये खबर जो है अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि खारिज कर दी गई है मेकर्स के द्वारा, जहां पर मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है फिर से कि उनकी फिल्म जो है कहीं पर भी पोस्टपोन नहीं होने वाली है, फिल्म अपने निर्धारित रिलीज डेट यानी कि 12 अगस्त को ही रिलीज होने वाली है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी रिलीज डेट में क्या कोई बदलाव होते हैं या फिर फिल्म जो है उसी डेट पर आती है। हालांकि इनसाइड अपडेट यह है कि फिल्म का एक टीजर जो है ऑलरेडी तैयार हो चुका है जो कि हमें जल्दी देखने को मिलेगा। इसके अलावा बढ़ते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है सूर्या और लोकेश कनकराज की अपकमिंग फिल्म से। तो पिछले फिल्म टॉक के एपिसोड में जब हमने विक्रम फिल्म के बारे में बात की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 2019 में लोकेश कनकराज और विक्रम के बीच में एक फिल्म बनने वाली थी जो कि काइंड ऑफ सुपर हीरो फिल्म थी, तो उस फिल्म को और विक्रम फिल्म को जो है कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। तो वैसे तो इस चीज पर कोई कंफर्मेशन तो नहीं मिला है, बट रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू के दौरान जब लोकेश कनकराज से इस फिल्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सूर्या और लोकेश कनकराज की ये फिल्म जिसका टाइटल जो है एक समय पर रखा गया था इरुम्बुकई मायावी, ये फिल्म जो है जल्दी फ्लोर पर जाने वाली है। लोकेश कनकराज ने इस इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि उन्होंने इस फिल्म का जो प्री प्रोडक्शन का काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और जल्दी इस फिल्म की शूटिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है। साथ ही साथ यहीं पर जोड़ते हुए उन्होंने ये भी बताया जब उनसे पूछा गया कि ये फिल्म आखिरकार इतनी लेट क्यों आ रही है, क्योंकि फिल्म के बारे में चर्चा है तो जो है 2019 में ही स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसा समय था जब मैं अपना इंडस्ट्री में एंट्री ले रहा था, मैं जस्ट अपनी फिल्म एक डेब्यू डायरेक्टर के तौर पर रिलीज कर रहा था, तो उस वक्त मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस सब्जेक्ट को हैंडल कर पाऊं, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए जो स्केल चाहिए उसे मैं मैनेज कर पाऊं, तो इसलिए जो है फिल्म जो है इतनी डिले हुई। बट हाँ, आज की डेट में मैं इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला हूं और जल्दी ये फिल्म जो है आपको देखने को मिलेगी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी जो है शायद इसकी हमें जल्दी देखने को मिल जाए। आप सभी को बता दें कि ये जो फिल्म है जिसका टाइटल है इरुम्बुकई मायावी, ये फिल्म जो है द स्टील क्लॉ नाम के एक नॉवल पे जो है आधारित होने वाली है। यहां पर इस कहानी का जो लीड कैरेक्टर है वो एक काइंड ऑफ सुपर हीरो कैरेक्टर ही होता है, जहां पर ये कैरेक्टर अपना एक हाथ जो है वो खो बैठता है और बाद में उसे एक स्टील का मेटल का हाथ लगाया जाता है जिसकी मदद से वो जो है कहानी के अंदर क्राइम और क्रिमिनल्स का सामना करता है। तो ऐसा एक कैरेक्टर है इस कहानी के अंदर। अब देखते हैं इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक हमें देखने को मिलती है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या इस कैरेक्टर का और विक्रम फिल्म के अंदर कोई कनेक्शन देखने को मिलता है या नहीं, ये तो हमें पता चलेगा 3 जून को ही। वैसे आप इस फिल्म को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा बढ़ते आज की अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं ओटीटी पर रिलीज होने जा रही कुछ फिल्मों के बारे में, जहां पर सबसे पहली फिल्म जो हमें ओटीटी पर जल्दी देखने को मिलने वाली है वो है रिसेंटली रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर मलयालम फिल्म यानी कि जनगण मन। ये फिल्म जो है यहां पर 2 जून को आपको नेटफ्लिक्स पर जो है देखने को मिल जाएगी। फिल्म को जो है सभी साउथ इंडियन भाषाओं में यहां पे नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवाया जाएगा। एक पोस्ट के अंदर हमें जब नेटफ्लिक्स ने पहला पोस्ट किया था वहां पर जो है हिंदी रिलीज को भी जो है मेंशन किया था, पर बाद में वो पोस्ट डिलीट हो जाता है और बाद में जो नया पोस्ट किया जाता है उसके अंदर केवल जो है साउथ इंडियन भाषाएं जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं कि 2 जून को जब ये फिल्म आती है तो इसे क्या सभी साउथ इंडियन भाषाओं के साथ हिंदी में भी रिलीज किया जाता है या नहीं। इसके अलावा जो दूसरी फिल्म आपको ओटीटी पे जल्दी देखने को मिलने वाली है वो रिसेंटली रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर तमिल फिल्म यानी कि डॉन स्टारिंग शिवा कार्तिकेयन, प्रियंका मोहन और एस जे सूर्या। ये फिल्म जो है आपको 10 जून को नेटफ्लिक्स पर जो है तेलुगु तमिल में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रिसेंटली रिलीज हुई विश्वक सेन स्टारर तेलुगु फिल्म जिसका नाम था अशोक वनम लोक अर्जुन कल्याणम, ये फिल्म जो है 3 जून को आपको आहा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तेलुगु भाषा में विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बढ़ते आज की अपडेट की तरफ, जहां पर आज की अगली अपडेट निकल के आ रही है कार्ति स्टारर अपकमिंग फिल्म यानी कि सरदार से। तो सरदार फिल्म का जब पहला पोस्टर आया था, पहला हमें टीजर देखने को मिला था, वहीं से फिल्म को लेकर जो कि एक्साइटमेंट है वो काफी बनी हुई है। तो फाइनली फिल्म के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है, रिलीज डेट को तो नहीं पर रिलीज मंथ को अनाउंस कर दिया है, जहां पर ये फिल्म जो है हमें दिवाली 2022 यानी कि इसी साल दिवाली के मौके पर देखने को मिलने वाली
वाली है। अब कहा यह भी जा रहा है कि शायद अजीत कुमार की फिल्म यानी कि AK-61 जो है वो भी शायद दिवाली के मौके पर ही रिलीज करवाई जाएगी। तो देखते हैं यहां पर क्या कोई क्लैश हमें देखने को मिलता है या नहीं। इसके अलावा बढ़ते आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जहां पर सबसे पहली फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इस हफ्ते रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि F3, जहां पर फिल्म का जो डे वन कलेक्शन निकल के आया है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही धमाकेदार है। बात करें फिल्म के डे वन कलेक्शंस की, तो फिल्म ने जो है यहां पर अपने पहले दिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से जो है 10.35 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 17 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 13.35 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 23 करोड़ का जो है ग्रॉस कलेक्शन कर दिखाया है। बात करें थ्रिटिकल राइट्स की, तो फिल्म के जो वर्ल्ड वाइड थ्रिटिकल राइट्स हैं वो 63.60 करोड़ में यहां पर बेचे गए हैं। मतलब फिल्म को अगर एक हिट का टैग लेना है तो कम से कम 64-65 करोड़ के आसपास का जो है शेयर कलेक्शन करके दिखाना पड़ेगा। और ये जो स्टार्ट फिल्म ने लिया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट है। देखते हैं आने वाले दिनों में फिल्म का जो कलेक्शन है वो किस तरीके से बढ़ता है। फैमिली ऑडियंस को ये फिल्म जो है वहां पर काफी पसंद आ रही है। हालांकि मैंने अभी तक ये फिल्म जो है नहीं देखी है और कोशिश करूंगा देखने की। हालांकि ऑनेस्टली F2 जब मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी और मुझे नहीं लगता है कि F3 मुझे कहीं पर खास कुछ पसंद आएगी, पर फिर भी अगर मौका मिलता है तो मैं फिल्म को जरूर देखूंगा। इसके अलावा शिवा कार्तिकेयन स्टारर रिसेंटली रिलीज हुई तमिल फिल्म यानी कि डॉन ने जो है फाइनली 100 करोड़ का जो कलेक्शन है उसे पार कर लिया है। तो जैसे ही फिल्म रिलीज हुई थी, जिस दिन मैंने रिव्यू किया था उसी दिन मैंने आपको बोल दिया था कि फिल्म जो है आसानी से 100 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। तो यहां पर मंगलवार यानी कि ट्यूजडे को ही फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का जो है कलेक्शन पार कर लिया है। और बात करें इंडिया की कलेक्शन की, तो मंगलवार तक इस फिल्म ने जो है इंडिया के अंदर 78.50 करोड़ का जो है यहां पर ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। तो फिल्म जो है काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है और फिल्म जो है ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इसीलिए फिल्म को जो है बहुत ही जल्दी अब नेटफ्लिक्स पर भी रिलीज करवाया जा रहा है। तो शिवा कार्तिकेयन की दो फिल्में ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, दोनों ही फिल्मों ने जो है 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनका ये जो सफर है, ये जो ट्रैक है, वो किस तरीके से आने वाली फिल्मों के अंदर मेंटेन रहता है। इसके अलावा बढ़ते आज की तीसरी फिल्म यानी कि महेश बाबू स्टारर रिसेंटली रिलीज हुई तेलुगु फिल्म यानी कि सरकारू वारी पाटा के डे 16 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म के 16 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो निकल के आ चुके हैं। जहां पर बात करें सबसे पहले वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो 16 दिन के अंदर अंदर फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड 107.19 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 172.40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो फिल्म ने जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 16 दिन के अंदर अंदर 88.90 करोड़ का शेयर कलेक्शन और 132.80 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वैसे तो प्रोड्यूसर्स के हिसाब से फिल्म ने जो है वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, 250-240 करोड़ के आसपास के कलेक्शन कर लिया है प्रोड्यूसर्स के हिसाब से, पर ट्रेड के जो फिगर्स हैं वो काफी अलग हैं। अब अगर यहां पे 16वें दिन के कलेक्शन को देखा जाए तो 16वें दिन ये फिल्म जो है वर्ल्ड वाइड केवल 18 लाख का कलेक्शन करती है, शेयर कलेक्शन करती है और केवल 40 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करती है। और फिल्म को जो है अभी भी करीब करीब कह सकते हैं कि 16-17 करोड़ के आसपास का और शेयर कलेक्शन करना है एक हिट का टैग लेने के लिए। अब अगर आप ट्रेड की तरफ से जाओगे तो अभी ये हिट का टैग लेना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप प्रोड्यूसर्स की तरफ से जाओगे तो फिल्म तो वैसे भी डे वन पर ही ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। इसके अलावा बढ़ते आज के अगले अपडेट की तरफ और बात करते हैं अरवी शेष की अपकमिंग फिल्म यानी कि मेजर के बारे में। तो जिन लोग को नहीं पता है फिर से एक बार बता देता हूं कि मेजर फिल्म का जो रिव्यू है वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। फिल्म के जो है यहां पर एडवांस स्क्रीनिंग जो है कई कई शहरों में चलाए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक स्क्रीनिंग पर मैं पहुंचा था अहमदाबाद में और वहीं पर मैंने फिल्म को देखा और उसका रिव्यू जो है मैंने अपलोड कर दिया है। फिल्म का प्रमोशन ये जिस तरीके से हो रहा है ये मुझे काफी बेहतरीन लगा। ये चीज जो है कहीं ना कहीं मेकर्स के कॉन्फिडेंस को दिखाती है कि मेकर्स अपने आप में कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो यहां पर कहीं पर भी इंडस्ट्री के लोगों को या फिर क्रिटिक्स लोगों को फिल्म ना दिखाते हुए सीधे ऑडियंस को जो है ये फिल्म दिखा रहे हैं, सीधे ऑडियंस का जो है रिएक्शन कैप्चर कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और यही कॉन्फिडेंस जो है हमें उनके कुछ आने वाले डिसीजंस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जहां पर आपको बता दूं कि यहां पर मेकर्स ने जो है अपने जो टिकट प्राइजेस होने वाले हैं स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उसे जो है अनाउंस कर दिया है, जहां पर उन्होंने साफ साफ ये दिखा दिया है और ये बोल दिया है कि मेजर फिल्म के जो टिकट प्राइजेस होंगे वो पैंडेमिक के बाद सबसे लोएस्ट टिकट प्राइस होने वाले हैं। जी हाँ, पैंडेमिक के बाद जो स्पेशल हाइक सरकार के द्वारा यहां पर दी गई थी फिल्मों के टिकट प्राइजेस पर, उसको अगर यहां पर नजर में रखा जाए तो मेजर फिल्म के जो टिकट प्राइजेस हैं वो सही में सभी फिल्मों से काफी लो होने वाले हैं। यहां पर जो है मेकर्स ने खुद एक पोस्ट जारी करते हुए ये बताया कि फिल्म के जो टिकट प्राइजेस होंगे तेलंगाना के अंदर सिंगल स्क्रीन में मैक्सिमम 150 रुपीज और मल्टीप्लेक्सेस में होंगे मैक्सिमम 190 रुपीज। आंध्र प्रदेश के अंदर सिंगल स्क्रीन के जो टिकट प्राइजेस
प्राइजेस होंगे वो 147 रुपीज होंगे, और मल्टीप्लेक्सेस के अंदर जो टिकट प्राइजेस होंगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 177 रुपीज होने वाले हैं। और यहां पर ये सभी प्राइजेस जो है जीएसटी को प्लस करके ही बताया गया है, मतलब जीएसटी इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, जीएसटी को ऐड करने के बाद ही ये टिकट प्राइजेस जो है यहां पर रखे गए हैं। अब अगर एक सबसे रीसेंट एग्जांपल भी अगर आप लो जो F3 फिल्म रिलीज हुई है उस फिल्म की अगर टिकट प्राइजेस के बारे में हम बात करें, स्पेशली हैदराबाद के टिकट प्राइजेस के बारे में अगर बात करें, तो मल्टीप्लेक्सेस के अंदर इस फिल्म के जो मैक्सिमम टिकट प्राइजेस थे वो थे 250 रुपीज इंक्लूडिंग जीएसटी। वहीं अगर आप मेजर फिल्म के देखोगे तो मैक्सिमम यहां पे टिकट प्राइजेस जा रहे हैं 190 रुपीज, तो यहां पर साफ साफ आपको एक 60 रुपए का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि मेजर फिल्म जो है एक एक्शन फिल्म है, एक कह सकते हैं कि एक्शन थ्रिलर फिल्म है, बजट भी उसका ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ F3 फिल्म जो है एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, तो इस लिहाज से देख सकते हैं कि प्राइस में कितना एक डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। वहीं F3 फिल्म के जो प्राइसेस थे जो कुछ बड़े थिएटर्स थे जैसे कि AMB सिनेमास और यहां पे प्रसाद IMAX, वहां पर जो थिएटर वहां पर जो टिकट प्राइसेस थे वो 250 रुपीज तो थे ही, बट उसके ऊपर एक्स्ट्रा जीएसटी भी ऐड किया जाता था, तो वो प्राइसेस भी जो थे काफी हाई थे, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म के तौर पर तो काफी ज्यादा थे। और वहां पर सिंगल स्क्रीन के जो टिकट प्राइसेस थे F3 के लिए वो थे यहां पर 150 रुपीज, उसके ऊपर जीएसटी अलग से ऐड किया जाता। तो ये जो लो टिकट प्राइसेस जब रखे जाते हैं, जो इस तरीके से एडवांस स्क्रीनिंग करवाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिखाता है मेकर्स का कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हमारा कंटेंट इस तरीके का है कि हम जो है किसी भी हाल में रिकवर कर लेंगे। तो वो जो चीज है कहीं ना कहीं उनके इस डिसीजन में हमें नजर आ रहा है। और मैंने जब ये फिल्म देखी तो मैं तो ऑनेस्टली कहना चाहूंगा कि फिल्म जो है कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेगी। हिंदी में भले ही थोड़ा सा एक स्लो स्टार्ट ले सकती है, पर तेलुगु स्टेट्स के अंदर फिल्म एक धमाकेदार शुरुआत लेगी। इसके पेड प्रीव्यू शोज जो हैदराबाद के अंदर जो है 2 तारीख से ही शुरू होने वाले हैं, और वाइजैक के अंदर भी कहा जा रहा है कि 2 तारीख को ही इसका प्री रिलीज इवेंट रखा गया है। पहले इसकी स्क्रीनिंग होगी, बाद में इवेंट रखा जाएगा, तो बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग है। और बात करें हिंदी वर्जन की एडवांस बुकिंग की, तो कहा जा रहा है कि शायद मंडे से जो है फिल्म की एडवांस बुकिंग हिंदी वर्जन के लिए जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब 3 जून को ही एक और फिल्म जो है इस फिल्म के साथ क्लैश करी है पैन इंडिया स्केल पर, जिसका नाम है विक्रम, जिसके अंदर हमें नजर आएंगे कमल हसन, विजय सेतुपति और फहाद फासिल। तो इस फिल्म के बारे में मैं कहूंगा कि फिल्म को लेकर जो मैं सोच के रखा था कि फिल्म का प्रमोशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, बट वो प्रमोशन कहीं पर भी अभी मुझे उस तरीके से सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहा है। इवन ग्राउंड लेवल पर भी प्रमोशन अभी तक उस तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि आज मुंबई के अंदर एक प्रेस मीट रखी गई थी जहां पर इस चीज को बोला गया है कि फिल्म के हिंदी वर्जन को जो है यहां पर 1500 स्क्रीन्स पर जो है रिलीज करवाया जाएगा। पेन मूवीज वाले रिलीज, पेन मारुधर वाले रिलीज करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छे खासे स्क्रीन्स मिलेंगे, पर केवल स्क्रीन्स मिलना बड़ी बात नहीं होती है। फिल्म को जो है थोड़ा अच्छे तरीके से प्रमोट भी करते, ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। देखते हैं, अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, क्या पता स्टार्ट हो जाए इसका प्रमोशन या एटलीस्ट एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट हो जाए। बाकी मेजर फिल्म के लिए मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन तरीके से चीजें जो है काम कर रही हैं। तो देखते हैं 3 जून को ये जो मेगा क्लैश हो रहा है वो किस तरीके का रिजल्ट निकालता है, कौन सी फिल्म चलती है, कौन सी फिल्म फेल होती है, ये तो 3 जून को ही हमें पता चलेगा। इसके अलावा आप में से काफी लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि मेजर और विक्रम फिल्म के जो थ्रेटिकल राइट्स हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूं कि आखिरकार इन दोनों फिल्मों को कितना कलेक्शन करना है एक हिट का टैग लेने के लिए। तो वो जब भी आएगा मैं आपको खुद अपडेट दूंगा, आपको मांगने या पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समय समय पर अपडेट देता रहता हूं। तो ये जो थ्रेटिकल राइट्स की अपडेट रहती है, ये एक टाइम ऐसा था जब 1 हफ्ते पहले 4 दिन पहले आ जाया करती थी, पर आज की डेट में मैं बता दूं कि ये जब चीजें जो है डे 1 कलेक्शन के साथ ही पता चलती हैं या फिर 1 दिन पहले ज्यादा से ज्यादा पता चलती हैं, इससे पहले जो है आज की डेट में पता चलना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ट्रैकर है जिन्होंने रिसेंटली एक फिल्म के लिए एक ट्वीट करके बताया था कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोड्यूसर्स के द्वारा साफ साफ मना कर दिया गया था कि आप जो है कलेक्शंस है उन्हें जो है ट्रैकर्स को ना बताएं। तो वो ट्रैकर ने तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से उस फिल्म के कलेक्शन को कवर तक नहीं कर पाया, बाकी दूसरे ट्रैकर्स जो है किसी तरह से वो कलेक्शंस निकालने में कामयाब हो चुके हैं। तो कुछ ना कुछ चलता रहता है इंडस्ट्री के अंदर, तो इसीलिए आज की डेट में जो थ्रेटिकल राइट्स की अपडेट है वो थोड़ी लेट आती है, पर जैसे ही आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके अलावा बढ़ते आज की आखिरी अपडेट की तरफ, जहां पर आज की आखिरी अपडेट निकल के आ रही है प्रभास की अपकमिंग फिल्म जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील, यानी कि सलार से। तो सलार फिल्म का टीजर कहा गया था प्रोड्यूसर्स के द्वारा कि जो कि हमें मई के महीने में देखने को मिलेगा, बट वो जो टीजर है अब देखने को नहीं मिलने वाला है। प्रोड्यूसर्स ने अपना विचार जो है अपना डिसीजन जो है वो बदल दिया है, और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने के बावजूद भी, फिल्म का नया शेड्यूल स्टार्ट होने के बावजूद भी इस महीने हमें कोई भी नया जो
टीजर है या फिर कोई भी टीजर जो है देखने को नहीं मिलेगा। अब देखते हैं क्या आने वाले महीने में देखने को मिलता है या नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अब क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यहां पर सलार को लेकर जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मेकर्स जो है हर एक कॉन्टेंट, हर एक कदम जो है बहुत ही सोच समझ के लेने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ भी होता है, ऑफिशियल कुछ भी आता है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों बस इन तक आज का फिल्म टॉक का ये एपिसोड, उम्मीद करते हैं एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।